हेलो दोस्तों, मेरा नाम तरुण दा, मेरा चैनल वनस्पति दादा। जिस वनस्पति दादा चैनल के माध्यम से रोज एक वनस्पति का जानकारी देता हूँ, वो वनस्पति फूल फल पत्ते जड़ तने पेड़ सब्जी जो वनस्पति है उसका वनस्पति गुण के बारे में जानकारी देना है। औषधि गुण, आयुर्वेदिक गुण, उसको खाने से पीने से लगाने से क्या बेनिफिट मिलेगा उसका पूरा जानकारी देने का कोशिश करता हूँ। मेरा उद्देश्य है जो आपके घर के आसपास में है, बगीचा में है, खेत खदियान में है, रोड साइड पे है, उसका औषधि गुण क्या है। जो सब्जी मैं खा रहा हूँ, हम लोग खाते हैं, उसमें खाने से क्या बेनिफिट मिलता है, कितना प्रोटीन मिलता है, कितना कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कितना फैट मिलता है, उसको थोड़ा जानकारी देने का मैं कोशिश करता हूँ। मेरा उद्देश्य वही है, इसलिए रोज़ मैं एक बगीचा गार्डन में जंगल में जाके आपको एक ना एक वनस्पति का जानकारी देता हूँ। आज जो वनस्पति है बहुत ही दिव्य शक्ति वाला ये वनस्पति है, अच्छा से दोस्तों पहचान लीजिए। आपके घर के आसपास में होगा, लेकिन दोस्तों क्या होता है, पहचान ना होने की वजह से उसको प्रयोग में नहीं ले पाते। मेरा उद्देश्य है सबसे पहले पहचान कराना। इसका नाम है पीला भिंगराज बा योलो भिंगराज। ये जो योलो कलर का फूल दिख रहा है और इसका पत्ती है जो देखिए, अच्छा से देखिए, ये जो पत्ती दिख रहा है ये भिंगराज है, योलो कलर का भिंगराज है, पीला भिंगराज है, भिंगराज, ठीक है। और मैं उसी का जगह सबसे ज़्यादा जो दिखने मिलता है वो है ये, जिसको मैं और दिखाने को, इसका फूल दिखिए पहले, ये है सफ़ेद भिंगराज। इसका पत्ती ऐसे एक जैसे ही है, इसका पत्ती देख लीजिए, ये भिंगराज है, ये सफ़ेद कलर का भिंगराज मैंने कट के ले आया हूँ। ये सफ़ेद कलर का भिंगराज है, आपको फूल दिखाने की कोशिश करूँ, ये सफ़ेद कलर का भिंगराज है, और अच्छा से देख लीजिए, ये सफ़ेद कलर का भिंगराज है और ये येलो कलर का भिंगराज है। दोनों को पास से मैं दिखाने को, ये सफ़ेद कलर का भिंगराज है, ये दोनों का पत्ती आप देखिए, कंपेयर करिएगा, दोनों का पत्ती जो है वो एक जैसा ही है, डिज़ाइन भी एक है, साइज भी एक है, तने भी एक है, एक ही है, लेकिन दोनों का औषधि गुण भी एक ही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो देखने मिलता है खेत खुदियान में वो है सफ़ेद वाला भिंगराज। आज मैं दिखा रहा हूँ येलो कलर का भिंगराज। इससे भी और ज़्यादा जो औषधि गुण है वो नीला भिंगराज, वो बहुत ही कम इंडिया में कुछ जगह में, गिनी चुनी जगह में वो देखने मिलता है। जहाँ नमी होता है, छांव होता है, उस जगह भिंगराज जल्दी से पनपने लगता है। मैं इसी जंगल पे बैठा हूँ, आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक मैं बहुत बड़ा जंगल में बैठा हूँ जहाँ से सीधा यही चीज़ दिखेगा जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, सिर्फ पीला ही पीला दिख रहा है, जिस सील पे पीला ही पीला दिख रहा है, फूल इतना सुंदर फूल है, मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सभी येलो पीला भिंगराज है, जितना भी मैं दिखा रहा हूँ वो पीला भिंगराज है, मैं आपको पूरा पास से दिखाने की कोशिश, अच्छा से पहचान लीजिए। औषधि गुण तो बताऊँगा, इसको प्रयोग कैसे करना है वो भी बताऊँगा, लेकिन सबसे पहला है उसको पहचान करना। मैं वो पहचान कराने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके पहले मैंने आपको बताया जो सफ़ेद भिंगराज कैसे होता है, वो भी मैंने आपको बताया, सफ़ेद भिंगराज वो भी पहचान लीजिए, ये सफ़ेद कलर का फूल है इसलिए सफ़ेद और होता है। उसका ताने देख लीजिए, दोनों का ताना एक जैसा, मैंने काट के दोनों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा मैंने एक काट लिया, एक हमारा हाथ में है, एक येलो भिंगराज का पौधे है और एक सफ़ेद भिंगराज का पौधा है, दोनों एक जैसा है, कोई भी फर्क नहीं दिखेगा आपको। डिफरेंस इतना है, इसके अंदर जो ऊपर का जो तने पत्ते है वो थोड़ा सा मुलायम नहीं होता है, और इसका जो पत्ते का पत्ते है वो ज़्यादा मुलायम होता है। देखिए कितना चिकनापन दिख रहा है, ये येलो भिंगराज की पहचान है। जब चिकनापन रहेगा तो येलो भिंगराज है, जिसका ये फूल आ रहा है येलो भिंगराज है, चिकनापन है तो येलो भिंगराज है। जब चिकनापन नहीं रहेगा, घिसा घिसा टाइप रहेगा, स्मूथनेस उतना नहीं रहेगा, तो होता है सफ़ेद भिंगराज। ये दोनों भिंगराज दिखाया, इसके बाद मैं बताऊंगा दोस्तों इसके अंदर हम इसको प्रयोग कैसे करें, खाए कैसे, क्या बेनिफिट मिलेगा, वो पूरा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले इतना तो सभी को पता है, ये बाल काले करने के लिए भिंगराज का यूज सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। इसको आप देखिए, ये पत्ती जो है हमने लिया, इसको मसल लिया जाए, यहाँ से एक काला कलर का गाढ़ा हरा कलर का एक रस निकलता है, जो थोड़ा टाइम बाद वो पूरा हाथ को काला कर देता है। यही है बाल को सफ़ेद से काला करने का जादू।
जो सिर्फ भींग राज्य के अंदर ही देखने मिलता है। बाल झड़ रहा है, बाल सफ़ेद हो रहा है, खुशी है। जो भी बाल के अंदर लेडीज हो जेंट्स हो, उसका जो भी बाल के अंदर प्रॉब्लम है उससे जड़ से ख़त्म करने के नंबर वन औषधि है जो फ्री में आपके घर के सामने मिल रहा है, वो है भींगराज। इसका रस निकलना है और हल्का हाथ से बालों में मालिश करना है नहाने का एक घंटा पहले इत्ती को रस निकल के मालिश करना है। वो सफ़ेद हो सकता है और पीला हो सकता है, किसी भी मालिश करने से आपका जो बाल वो सफ़ेद हो रहा था वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। पेट व लिवर संबंधी किसी तरफ का बीमारी है, पेट का किसी तरफ से बीमारी है, पेट फूल रहा है, खाना पच नहीं रहा है, बार बार लैट्रिन जाना पड़ रहा है, लिवर सूटेबल काम नहीं कर रहा है, उससे आपको छुटकारा पाना है। बहुत ही दिव्य शक्ति वाला ये वनस्पति है जो आपको मैं दिखाने कोशिश कर रहा हूँ, जिसका नाम है भींगराज। इसको रस पीने से, खाली पेट में सुबह रस पीने से आपका पेट का किसी तरफ का प्रॉब्लम है वो दोस्तों जड़ से ख़त्म करने का दावा करता है। आयुर्वेद लिखा है माइग्रेशन का प्रॉब्लम है। आजकल दिन बढ़ रहे कारण एक तो टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, टेम्परेचर साथ साथ टेंशन, घर का टेंशन, बाहर का टेंशन, तनाव के वजह से माइग्रेशन बढ़ते जाता है। वो माइग्रेशन से आपको छुटकारा पाना है तो बहुत ही अच्छा दिव्य शक्ति ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें से क्या करना है, माइग्रेशन को आपको छुटकारा पाना, इसको रस निकलना है, इसका रस निकलना है, जो मैंने बेल दिखा रहा हूँ इस बेल का रस निकलना है, पत्ते फूल कोई भी मिक्स करके बकरी के दूध के साथ पीना है। बकरी का दूध के साथ पीने से आपका जो भी टेंशन था, तनाव था शरीर के अंदर, माइग्रेशन प्रॉब्लम था, सिर दर्द कर रहा था दिन भर, गर्मी हो ठंडी हो सिर दर्द, उससे आपको 100% छुटकारा मिल जाएगा। इतना है ये दिव्य शक्ति वाला औषधि है जिसका नाम है भींगराज। भींगराज डिफरेंस कलर में होता है, ये मैं पीला कलर का भींगराज दिखा रहा हूँ। दोस्तों आँखों का प्रॉब्लम है, होता ही है, कारण एज बढ़ते बराबर आँखों का अंदर एक प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम आके देखने मिलता है। उस आँखों में पानी आना, लाल हो जाना, दूर का देखना नहीं देखना, इससे आपको छुटकारा पाना है, इससे आपको बचना है तो बहुत ही अच्छा है। इसका रस निकल के एक बूंद, फूलों का रस निकल के एक बूंद आँखों में डालने से आप इससे छुटकारा मिल सकता है। दांत का दर्द है, कान में दर्द है, तो इसका रस एक बूंद करके, इसका जो पत्ती है, ये पत्ती जो है इसको चिबा के दांतों के साइड में रख लीजिए थोड़ा टाइम, तो दांत का जो मसूड़े का दर्द है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। कान में सूजन है, कान रस निकल रहा है, पानी निकल रहा है कान से, उससे छुटकारा आना है। इस जो औषधि दिखा रहा हूँ इसका रस को एक बूंद कान में डालना है। बुखार के लिए भी बहुत ही अच्छा है, भूख बढ़ाने के लिए, दोस्तों बहुत ही प्रॉब्लम होता है भूख के लिए, बाद में परेशान होता है, भूख बढ़ाने के लिए भी नंबर वन दवाई है जो आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो वनस्पति है भूख बढ़ाने के लिए नंबर वन काम करता है। इसको रस खाली पेट में पीना है, जो आपका भूख धीरे धीरे बढ़ते हुए चले जाएगा, इतना इसके अंदर दिव्य शक्ति है जो है भींगराज के अंदर। आपका स्किन में प्रॉब्लम है, आपका चमड़ी में कोई प्रॉब्लम है, सफ़ेद दाग, काला दाग, खुजली, दाद, एर्जिमा, जो भी है उससे आपको छुटकारा पाना है, कारण इसके अंदर एंटी बैक्टीरिया एंटी एजिंग गुण भरपूर मात्रा में रहने हुए, जैसे आपको किसी तरफ का स्किन का प्रॉब्लम है, आपको पता नहीं लग रहा है आपका स्किन का प्रॉब्लम है, तो इससे आपको छुटकारा पाना है। बहुत ही रामबाण है ये चीज मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, भींगराज, योलो भींगराज व पीला भींगराज, बहुत ही दिव्य शक्ति है इसके अंदर किसी तरफ का स्किन का प्रॉब्लम के लिए, ये इतना दिव्य शक्ति है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये छोड़ के भोजन घटाना है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, उसमें भी रामबाण काम करता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आशा करता हूँ मेरा ये जानकारी आपको समझ में आया होगा, समझ में आया है तो ज़रूर एक लाइक एक कमेंट करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए। तो मैं ऐसा एक जंगल में जाके, खेत खुदियान में जाके आपको एक दिव्य शक्ति औषधि के बारे में मैं जानकारी देते रहूँगा। आशा करता हूँ
मेरा ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।